सभी का एक बार फिर स्वागत जनादेश में। और आइए आपको सीधा ले चलते हैं पुणे, जहां पीएम मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। हमने सब उखाड़ के फेंक दिया और आज मेरे देश के नौजवान उसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पेस हो उसको हमने ओपन कर दिया, डिफेंस हो, ऐसे हर सेक्टर को युवा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आज हिंदुस्तान ने खोल दिया है। देश में पहली बार ऐसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है जो इनोवेशन को बढ़ावा देती है, और पुणे में तो बुद्धिमान नौजवान है। आपके लिए मैं खुशखबरी देता हूं, हमने इस बार बजट में जो इंटरिम बजट था 1,00,000 करोड़ रुपया, जो लोग इनोवेशन करना चाहते हैं उनको आंख बंद करके देने का हमने निर्णय किया है। साथियों, देश दुनिया में भी अपनी दमक दिखा रहा है। आज हमारा एक्सपोर्ट रिकॉर्ड स्तर पर है, एफडीआई रिकॉर्ड स्तर पर है, और मेरे देश के नौजवान जो इनोवेशन कर रहे हैं, आज जो पेटेंट फाइल हो रहे हैं, आज हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा पेटेंट मेरे देश के नौजवान फाइल कर रहे हैं। साथियों, बीजेपी का संकल्प पत्र इसी काम को नई स्पीड और नए स्केल देने का रास्ता दिखाता है। 10 साल में भारत मोबाइल फोन इंपोर्टर था। 10 साल पहले, मेरे आने से पहले, 2014 के पहले हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। 10 साल में मेरे देश ने यह कमाल कर दी है कि आज हम दुनिया में दूसरे सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए। और पुणे वालों, आपके लिए और एक खबरी, अब मेड इन इंडिया चिप्स, उसे दुनिया की गाड़ी आप चलते हुए देखेंगे, और मेरा पुणे तो ऑटोमोबाइल का हब है। अब हम भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनते देखेंगे। आज एनडीए सरकार हर सेक्टर में भारत के युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर दे रही है। बीजेपी का संकल्प भारत को सेमीकंडक्टर हब, इनोवेशन हब, उसमें मजबूती देने का है। बीजेपी का संकल्प भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर है। बीजेपी का संकल्प भारत को हाइड्रोजन एनर्जी का हब बनाने का है। साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार देश के गरीब और मिडिल क्लास की बचत को बढ़ाने के बारे में सोचा है। अब मैं जो बातें बता रहा हूं ना, वो आप लोगों को सीधी सीधी लागू होती है, लेकिन जब तक मेरी बात सुनोगे नहीं,
शायद आपका भी उस बात पर ध्यान नहीं गया होगा, काम कैसे होता है। मैं एक एक चीज, छोटी छोटी चीजें आज आपके साथ बात करने के लिए आया हूं। 2014 से पहले के 10 सालों में आपसे महंगाई और भ्रष्टाचार का डबल टैक्स वसूल किया जा गया। 2014 में सरकार बनाने के बाद हमने महंगाई पर भी नियंत्रण लगाया और भ्रष्टाचार पर भी कार्रवाई की। और आज आप देखिए, भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। 10 वर्षों में टैक्स पेयर्स को सिर्फ टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, पहले जो इनकम टैक्स का सीमा थी हमने 7 लाख रुपए तक नो इनकम टैक्स कर दिया, सीमा बढ़ाने से और दूसरे रिफॉर्म से देश के जो टैक्स पेयर है उनकी जेब में करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। मैं जो कहता हूं आंकड़े याद रखना, वो इसलिए कह रहा हूं, 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों का बहुत बड़ा बोझ कम हुआ है। हम लोग जनऔषधि केंद्र चलाते हैं, देश में 15-20 हजार जनऔषधि केंद्र भी चल रहे हैं, उसको हम बढ़ा भी रहे हैं। जनऔषधि केंद्र